सभी मान्य गणों को देख सकते हैं जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। डियर व्यूअर्स, द पिवटल पावर डिसेंट हैज बिगन एंड द लैंडर मॉड्यूल इज प्रोपेलिंग टुवर्ड्स द मून सरफेस अलोंग द इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी। जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। ड्यूरिंग दिस रफ ब्रेकिंग फेज द लैंडर वेलोसिटी शैल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 1680 मीटर्स पर सेकेंड टू 358 मीटर्स पर सेकेंड। द ऑल्टीट्यूड विल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 30 किलोमीटर्स to 7.4 kilometers at the end of rough braking, all this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package LIRAP is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। द लैंडर मॉड्यूल हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 228 किलोमीटर्स। द कंप्लीट डाउन रेंज दैट विल बी ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस फेज शैल बी नियरली 713.5 किलोमीटर्स। जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेग मान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर मॉड्यूल विल रिड्यूस फ्रॉम 7.4 किलोमीटर्स टू 6.8 किलोमीटर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फेज व्हिच इज गोइंग टू बी द एटीट्यूड होल्ड फेज। वी कैन करेंटली सी दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर मॉड्यूल इज नियरली 31 किलोमीटर्स। आरयूसीसी, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड आर्डर गाइडेंस पॉलीनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा।
During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल, जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर यह भी देख सकते हैं, चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले, द लैंडर इमेजर is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer, is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers. And the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase.
इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एटीट्यूड होल्ड फेज वेयर वी विल बी एक्सपेक्टिंग सेंसर अपडेट फ्रॉम द लेजर एंड कार बैंड ऑल्टीमीटर्स. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस rough braking phase के दौरान 800 न्यूटन के चारों throttle इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं. अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है. आफ्टर द रफ ब्रेकिंग एंड द एटीट्यूड होल्ड फेज वी शैल बी हैविंग द फाइन ब्रेकिंग फेज व्हिच विल कंटिन्यू फॉर नियरली 3 मिनट्स. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है. जी हाँ, हम अपने जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं. Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं altitude hold phase भी बहुत ही आसानी से lander phase ने पार कर लिया है और अब fine braking की शुरुआत हो चुकी है. अभी हम ये देख सकते हैं कि lander की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी. वी कैन हियर फ्रॉम द मिशन ऑपरेशंस टीम दैट द सेंसर्स आर परफॉर्मिंग नॉमिनली एंड वी आर करेंटली इन द मिडस्ट ऑफ द फाइन ब्रेकिंग फेज व्हिच इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर 3 मिनट्स. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा. We can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई
लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज़ में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the हाँ, lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हाइवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। द सेंसर्स दैट आर अपडेटिंग एट दिस पॉइंट आर प्रोवाइडिंग कंफर्मेशन ऑफ द सेफ्टी ऑफ द लैंडिंग साइट। एज एक्सपेक्टेड द रीटारगेटिंग इज गोइंग ऑन एंड दिस इज अ वेरी गुड सिग्नेचर फॉर द लैंडर। अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। करेंटली ओनली टू इंजन्स आर नाउ बीइंग फायर्ड एंड वी आर नियरली एट जीरो वेलोसिटी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वी वर होवरिंग एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग द मून सरफेस। धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। वी कैन सी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हु इज हियर टू एनकरेज अस एंड ही इज क्रिटिकली लुकिंग एट द विजुअल्स। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग। लेट अस ऑल वेट टू हियर
from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. Lander module puri tarah se safely aur softly chandrama ke satah pe land ho chuka hai. Ye hum logon ke liye bahut hi garv ki baat hai. Hindi mein ek kahawat hai ki chanda mama dur ke, lekin ab hum ye keh sakte hain ki chanda mama apne